राणा मकबूल साहब, जैसे कि इल्जाम आप पे बड़ा बहुत बड़ा लग रहा है कि बड़ी आपने धांधली की है, ये कैसी धांधली थी, आप खुद भी जीत नहीं सके? जी हाँ, धांधली कहने को तो कह दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक मिसनोमर सा चल गया है कि बहुत ज्यादा स्टैम्पीड हुई है। मैं तो समझता हूँ, एज स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, जो इलेक्शन हुआ था, जो अभी जिनकी 15 की बार बार बात की जाती है, 20 की, तो अगर वाकई स्टैम्पीड थी तो सारे मुस्लिम लीगियों की जमानतें जब्त होनी चाहिए थी। वो तो इनकी इन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, वो तो मुस्लिम लीग की नहीं थी जो 5 उन्होंने ली है। और ठीक है, परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन में मुस्लिम लीग से कहीं गलतियां हुई हैं। मैं एक मिसाल आपको दे देता हूँ, खुशाब की। वहाँ इनका एक मिनिस्टर था आसिफ भा, उसने 41,000 वोट लिए। इन मुस्लिम लीग के कैंडिडेट ने 38,000 वोट लिए, पीटीआई के कैंडिडेट ने 47,000 वोट लिए। अगर वो कंबाइन हो जाते तो कैसे? बहरहाल ये एक करने दें, अच्छा इनको खुश हो लेने दें, जब इलेक्शन का मैदान लगेगा तो फिर पता चल जाएगा कि क्या होना है। खुशी की बात, अगर वो समझते हैं कि हमारी बहुत पॉपुलैरिटी, हम तो इसके खिलाफ नहीं अगर वो है, तो लेकिन आप भी खुश एक जो आ गया है, मेरी बात सुन ले ना, अभी जो दरमियान में बहुत बड़ी हर्डल आ गई है, वो जो केसेस हैं पीटीआई के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन की फाइंडिंग है, और उस फाइंडिंग को, इस पुल को अबूर करेंगे तो फिर आगे जा सकेंगे ना। इसलिए ये भी एक बहुत बड़ी ऑब्स्ट्रक्शन है, इस पे भी गौर करना चाहिए, इसका भी हल तलाश कर रहे होंगे ये। लेकिन राणा साहब, आपकी गुफ्तगू से यही लग रहा है कि आपने ये ऑब्स्ट्रक्शन को आप पार करें। मेरी बात तो नहीं, नहीं बात हमने थोड़ा देना, आप तो मामला कोर्टों में है, सब जुडिस है, उधर से भी वकील पेश होंगे, उधर से भी वकील पेश होंगे, अदालतें तो अदालतों ने फैसला करना है ना। ठीक हो गया स्वागत राजा साहब, ये हमारी पार्टी का करना है। आपको लगता है कि इल्जामात इस किस्म के हैं? जी 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 जी, बात कंप्लीट कर लें आप। जी आपका क्या? जी जी, मैं कहता हूँ कि इल्जामात इस किस्म के हैं, वो इतने इररिफ्यूटेबल हैं, इतने रिबटेबल हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम ने एक फैसला कर दिया है, वो अब सुप्रीम कोर्ट में ही जाके हल होगा। और फिर ये जैसे आप कहते हैं कि जी आपने उसको तो निकाल दिया है, सबसे बड़े लीडर को, मुल्क को, कि जी उसने 10,000 का जो एसेट था तनख्वाह का, वो डिक्लेयर नहीं किया। यहाँ तो करोड़ों अरबों के एसेट्स हैं जो डिक्लेयर नहीं किए गए।